ऐसा क्या हुआ था जो कालों के काल महाकाल ने सूर्य देव का सर धड़ से अलग कर दिया। प्रिय भक्तों, सूर्य देव को वेदों में जगत की आत्मा कहा गया है, क्योंकि सूर्य से ही इस पृथ्वी पर जीवन है। वहीं यजुर्वेद में चक्षु सूर्य जायत कहकर सूर्य को भगवान का नेत्र माना गया है, और ब्रह्म वैवर्त पुराण तो सूर्य देव को परमात्मा स्वरूप मानता है। परंतु ऐसा क्या हुआ था जो कालों के काल महाकाल ने सूर्य देव का सर धड़ से अलग कर दिया था। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार कश्यप ऋषि के प्रपोत्र माली और सुमाली थे। दोनों ने कश्यप ऋषि की आज्ञा से महादेव की कई वर्षों तक तपस्या की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव ने उन दोनों की तपस्या से अति प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। भक्त माली और सुमाली, अपने नेत्र खोलो, बोल तुम्हें मुझसे क्या वरदान चाहिए? हे महाकाल, कदाचित आप ही काल यानी मृत्यु हैं, और मृत्यु का भय हर किसी को भयभीत करता है। यदि आप हमारी आराधना से प्रसन्न हैं, तो हमें वरदान दें कि हम दोनों जब कभी किसी संकट में हो तो आप हमारी रक्षा हेतु उपस्थित हो जाएं। तथास्तु। इससे पूर्व काल में माली और सुमाली ने ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर ये वरदान प्राप्त किया था कि उन दोनों भाइयों का प्रेम अटूट हो और उन्हें युद्ध में कोई पराजित ना कर सके। और इधर उन दोनों ने महादेव से भी अभयदान का वरदान प्राप्त कर लिया था, जिससे उन दोनों को उनकी शक्तियों का अहंकार हो गया था, जिस कारण उन दोनों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। इंद्र, यदि तुम अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो स्वर्ग छोड़कर चले जाओ। भ्राता श्री, इंद्र को कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं है। विजय के उपरांत हम इंद्र सहित सभी देवताओं को अपना दास बना लेंगे। भ्राता माली, तुम्हारा ये परामर्श भी उचित है। हमारी सेना के लिए देवताओं से उचित कौन होगा? इंद्रदेव माली और सुमाली की ललकार सुनकर युद्ध स्थल में उपस्थित होते हैं। मूर्ख असुर, क्या तुम्हें मृत्यु से भय नहीं लगता जो स्वर्ग लोक अपने प्राणों की आहुति देने आए हो? मूर्ख इंद्र, मृत्यु का भय वो भी हमें? कदापि नहीं, क्योंकि जिसकी रक्षा स्वयं महादेव करें, उनके सामने मृत्यु भी अपना मार्ग बदल लेती है। जिसके उपरांत असुरों और इंद्रदेव के मध्य महाप्रलयंकारी युद्ध छिड़ जाता है, जिसमें सुमाली और इंद्रदेव के मध्य गदा युद्ध आरंभ हो जाता है। और उधर माली अपनी माया से कभी अग्नि तो कभी वायु उत्पन्न कर अन्य देवताओं को त्रास देने लगा। परंतु देवताओं की शक्ति उन वरदानी असुर भाइयों के समक्ष ज्यादा समय तक टिक नहीं पाती। उधर सुमाली और इंद्रदेव के बीच गदा युद्ध में सुमाली के एक भयंकर गदा प्रहार से इंद्रदेव घायल हो जाते हैं। ये देखकर सभी देवता भयभीत हो जाते हैं और वो इंद्र के साथ युद्ध भूमि से अदृश्य होकर नवो ग्रहों के स्वामी सूर्य देव के लोक पहुंच जाते हैं। देवताओं की ये दशा देखकर सूर्य देव अति क्रोधित हो जाते हैं और अपने रथ पर सवार होकर माली और सुमाली को दंडित करने युद्ध भूमि में पहुंच जाते हैं। अभिमानी असुरो, तुम्हारा इतना साहस कि तुम दोनों ने स्वर्गलोक पर आक्रमण किया, इस धृष्टता के लिए मैं तुम दोनों को अवश्य दंडित करूंगा। सूर्यदेव, जब देवताओं की सम्मिलित सेना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाई, ऐसे में तुम हमसे अकेले युद्ध करने आए हो? भ्राता सुमाली, सूर्यदेव को पराजित कर अपने अधीन कर लेंगे और फिर हम अपनी इच्छा के अनुरूप सूर्योदय और सूर्यास्त किया करेंगे।
अवश्य भ्राता श्री। मूर्ख असुर, मेरा तेज आदि और अनंत है, जिसके एक अंश मात्र से तुम दोनों भस्म हो जाओगे। यदि तुम दोनों अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो इसी क्षण मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम दोनों को क्षमा कर दूंगा। अर्थात तुम हमें जीवन दान दोगे? अरे भ्राता सुमाली, तनिक देखो, कहीं हम दोनों सूर्य देव के तेज से भस्म ना हो जाएं। मूर्ख, तुम दोनों का इतना साहस कि तुम मेरा उपहास करो? तुम दोनों का ये कृत्य क्षमा योग्य नहीं है। प्रिय भक्तों, माली और सुमाली अपने वरदानी शक्तियों के कारण अति अभिमानी हो गए थे, परंतु उन्हें सूर्य देव के तेज का ज्ञान नहीं था। माली और सुमाली अपनी माया से कई भीमकाय असुर सैनिक उत्पन्न कर उनको सूर्य देव पर आक्रमण करने का आदेश देते हैं। तभी सूर्य देव अपने एक हाथ से अग्नि रूपी धारा उत्पन्न कर सभी असुर सैनिकों को नष्ट कर देते हैं। ये देखकर माली और सुमाली अति क्रोधित हो जाते हैं और दोनों अपनी माया की सहायता से आकाश में विचरण करने लगते हैं। वो दोनों कभी शूल तो कभी कटार से सूर्य देव पर प्रहार करते, परंतु सूर्य देव के पास आते आते वो सभी अस्त्र स्वतः नष्ट हो जाते। वो दोनों अपने हाथों में गदा लेकर सूर्य देव की तरफ आते हैं। सूर्य देव अपने हाथ से एक दिव्य पुंज छोड़ते हैं जो दोनों के सीने में जाकर लगती है और उन दोनों के हाथ से गदा छूट जाती है। तभी सूर्य देव अपने दोनों नेत्रों से अग्नि के तेज को छोड़ने ही वाले होते हैं। महादेव, आपके दोनों भक्तों के प्राण संकट में हैं, शीघ्र ही हमारी सहायता करें। माली सुमाली की पुकार सुनकर महादेव स्वयं युद्ध भूमि में आ जाते हैं। वहीं महादेव को युद्ध भूमि में देखकर सूर्य देव अचरज में पड़ जाते हैं। आखिर स्वयं महादेव कैसे इन दोनों अत्याचारी असुरों की रक्षा करने आ गए? हे महादेव, आपने हमें वचन दिया था, यदि हम दोनों पर कोई संकट आ जाए तो आप सदैव हमारी रक्षा करेंगे। प्रभु, इससे पहले कि सूर्य देव हमारा वध करें, आप ही सूर्य देव का अंत कर दीजिए। हे महादेव, इन वरदानी असुरों की रक्षा ना करें और ना ही मेरे मार्ग में बाधा उत्पन्न करें, क्योंकि इन्हें दंडित करना मेरा कर्तव्य है। सूर्य देव, मैं वचनबद्ध हूँ, क्योंकि मैंने इन दोनों असुर भाइयों के प्राणों की रक्षा का वचन दिया है। हे प्रभु, ये आपकी कैसी वचनबद्धता है और कैसे हैं आपके ये भक्त जो सदाचार, धर्म और कर्म से विमुख होकर अन्याय और अत्याचार के मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं? सूर्य देव, अपने वचन के अनुसार इन दोनों की रक्षा करना मेरा उत्तरदायित्व है। प्रभु, इन दोनों के द्वारा पीड़ित देवता गण मेरी शरण में आए हैं, अतः इन दोनों को दंडित करना मेरा अंतिम उद्देश्य है। सूर्य देव महादेव को अपने समक्ष खड़ा देखकर तनिक भी विचलित नहीं होते हैं, क्योंकि वो माली और सुमाली को दंडित करना अपना कर्तव्य समझते हैं, जिसके लिए सूर्य देव अपने दोनों नेत्रों से अग्नि की किरण छोड़ते हैं, जिससे माली और सुमाली को भयंकर पीड़ा होने लगती है। जब महादेव अपने दोनों भक्तों को कष्ट में देखते हैं तो वो अपने त्रिशूल से सूर्य देव की अग्नि किरण को नष्ट कर देते हैं। सूर्य देव पुनः अपने नेत्र से अग्नि का एक पाश उत्पन्न कर माली और सुमाली को भस्म करने की कोशिश करते हैं, जिसे देखकर महादेव अति क्रोधित हो जाते हैं और अपने त्रिशूल से सूर्य देव का सर धड़ से अलग कर देते हैं। सूर्य देव का सर धड़ से अलग होते ही समस्त सृष्टि में अंधकार छा जाता है। जब ऋषि कश्यप को ये सब ज्ञात हुआ तो ऋषि कश्यप वहाँ पहुँच जाते हैं और अपने पुत्र मोह में सूर्य देव की मृतदेह के निकट बैठकर शोक करने लगते हैं और महादेव से याचना करने लगते हैं कि वो सूर्य देव को प्राण दान दें। परंतु महादेव कश्यप ऋषि का शोक निवारण नहीं करते। तभी ऋषि कश्यप पुत्र मोह में महादेव से कहते हैं,
हे महादेव, आपने ये कैसा अनर्थ कर दिया। मेरा पुत्र सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था, फिर आपने ऐसा अनुचित कार्य क्यों किया। हे ऋषिवर, मैं भी अपने भक्तों के अधीन होकर अपने कर्तव्य व धर्म का निर्वहन कर रहा था। उन नसुर भाइयों की रक्षा और मेरे पुत्र का अंत कैसा कर्तव्य व धर्म हो सकता है। महादेव, आप मेरे पुत्र की मृत्यु के दोषी हैं, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि एक दिन आप भी क्रोध के वशीभूत होकर स्वयं अपने पुत्र का सर धड़ से अलग कर देंगे। हे ऋषिवर, नियति को भला कौन टाल सकता है, परंतु मैं सूर्यदेव को प्राण दान देता हूँ, क्योंकि सूर्यदेव अपने समक्ष काल को देखकर भी अपने कर्तव्य और धर्म से तनिक भी विचलित नहीं हुए। प्रिय भक्तों, ऋषि कश्यप ने महादेव को इतना भयंकर श्राप दिया, किंतु क्षमाशील और घोर कृपा निधान महादेव ने सूर्यदेव को प्राण दान दिया, जिस कारण सूर्यदेव ने जीवन दान पाकर सृष्टि को पुनः अपने तेज से तेजोमय कर दिया। और वहीं ऋषि कश्यप के श्राप के कारण कालांतर में महादेव के हाथों बाल गणेश का सर धड़ से अलग हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उनके धड़ पर गजमुख से जीवन दान मिला, जिन्हें हम गजानन, विघ्नहर्ता गणेश आदि नामों से जानते हैं। प्रिय भक्तों, आपको हमारी आज की ये कथा कैसी लगी, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और आप हमारे चैनल महावॉरियर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप हमें ये भी बताएं कि आप अगली कथा किस महावॉरियर की देखना चाहते हैं।